तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एस्केप स्किल्स। और आज के इस वीडियो में हम काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बनाने वाले हैं, ताकि आपको जैसे पता है आज न्यू ईयर है, आज 1 जनवरी है। तो आज से मैं अपना ट्राई कर रहा हूँ कि मेरे सारे जो भी कंटेंट बनेंगे वो काफ़ी अच्छे बनने चाहिए। और अगर आपको मेरी वीडियो में कोई भी मिस्टेक आती है तो आप मेरे को आराम से मतलब कि कमेंट करके आप मेरे को बताओ। और ये वाला जो वीडियो बनेगा ये बिल्कुल एक प्रोफेशनल वे में बनेगा, जैसे कि मतलब जैसे हम दुकान से कोई भी चीज़ खरीद के लाते हैं तो वैसे सेम बनाएंगे हम। और इस वीडियो में हम कुछ इस तरीके से LED जो हमने पिछले वीडियो में अनबॉक्सिंग करी थी इसकी, तो इसी की यूज करके हम एक नया से LED बनाने वाले हैं, जो कि आपको इसकी तरह दिखेगा, जो कि आपको ये AC से चलने वाले लिए इसी की तरह दिखेगा। तो हम सेम ऐसी बनाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स चलते हैं, जरा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अब चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं आराम से। तो फ्रेंड्स ये अब जो हमें, तो हम यहाँ पे कुछ मतलब मैंने डायमेंशन काट लिए हैं, जो कि आप देख सकते हैं इधर से मैंने जो इसका ये ब्रेथ लिया है 2.2 सेंटीमीटर का है, और ये जो है आपका लेंथ जो दिख रहा है वो 7 सेंटीमीटर का है, जो कि हमारे जो ये बैटरी देख रहे हो आप, तो इसी बैटरी के बराबर का होगा। और इसके लिए मतलब कि मैंने सारे काट रखे हैं, और ये जो देख रही है 7x7 का है, और इसमें मतलब कि एक मैंने इसमें पहले से ही होल कर रखा है, ताकि जो है इस ये जो आप LED देख रहे हैं मतलब बिल्कुल ये खराब LED है, और इससे मतलब जो भी अंदर के पार्ट्स होते हैं कंपोनेंट्स, इसको मैंने बाहर निकाल दिया है, देख सकते हो ये। तो फ्रेंड्स इसी LED का यूज़ करने वाले हैं। अगर आपके घर में ये LED पड़ा है तो इसको आप फेंकना मत, आप इससे आपको अगर पता नहीं है कि आप इससे इसका काफ़ी अच्छा यूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स अब इसका यूज़ करके हम कुछ अच्छा बनाते हैं। तो फ्रेंड्स मैं पहले आपको बता देता हूँ क्योंकि इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होंगी। तो फ्रेंड्स फर्स्ट जो चीज़ है वो हमारा ये एक फ्यूज़ LED है, जो कि ये दोनों साइड से मतलब देख सकते हैं, अंदर के मैंने सारे चीज़ें जो भी होते हैं सब निकाल दिया है, तो इसको हम तरह साइड में रखते हैं। अब दूसरा चीज़ जो देखते हैं, तो इसमें आपको इसकी अनबॉक्सिंग हमने पिछले वीडियो में करा था, जो कि काफ़ी अच्छा था, और इसमें मतलब कुछ चीज़ें भी मैं गए थे, अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से चेक कर सकते हो डिस्क्रिप्शन को। तो फ्रेंड्स अब उसके साथ साथ हम दूसरे नंबर पर आते हैं, तो एक देख सकते हो ये पावर बैंक का मैंने एक मॉड्यूल लिया है, जिससे कि हम एक फ़ोन आराम से चार्ज कर सकते हैं, और ये 2 एम्पीयर का है। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं इसका हम यूज़ लेने वाले हैं, और ये देख सकते हो दो लिथियम आयन बैटरी यूज़ करने वाले हैं, जो कि 1850 का है। और फ्रेंड्स इसके साथ जो कि हमने ये जो डायमेंशन हैं जिनको हमने कट करके पहले से रखा हुआ है, तो फ्रेंड्स ये देख सकते हो मैं इसके डायमेंशन आपको बता देता हूँ। तो इसके जो डायमेंशन है वो आपको मतलब कि 2.2 सेंटीमीटर का ऐसे मतलब इसका ब्रेथ मैंने करा है, और इसका जो लेंथ है हमने इसको 7 सेंटीमीटर रखा है। और यहाँ से आप जो भी देख रहे हो ये चार पीसेस जो आपको देख रहे हैं, तो इसमें आपको ये सारे एक ही साइज़ के हैं। और फ्रेंड्स इस ये वाला जो है जिसमें कि हम इस मॉड्यूल को फिक्स करने वाले हैं, तो फ्रेंड्स इसी मॉड्यूल को हम इसमें फिक्स करेंगे, इसलिए हमने इसको कट करके रखा है पहले से। और फ्रेंड्स इसके लिए हमने ये दो चीज़ें लिए हैं, जो कि 7x7 का है, और इसके अंदर जो ये आप ये होल देख रहे हो इसमें हम जो ये वाला हमारा पार्ट है, तो इसको हम यहाँ पे आराम से फिक्स कर देंगे ऐसे। और इसके मतलब आपको सर्किट इसका डायग्राम तो है मतलब काफ़ी ईजी है, अगर आपको थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन होती है तो मैं इसका सर्किट डायग्राम आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से आराम से देख सकते। तो फ्रेंड्स ये वाला जो देख रहे हो, तो मतलब कि इधर ये दो फेसेज है इसमें, जो कि एक साइड से मतलब मैंने गैस पैक आराम करके इसको पूरा प्लेन शीट बना रखा है, जिसकी वजह से ये थोड़ा काला पड़ गया है, तो हम काले वाले पार्ट को अंदर ही रखेंगे, और जो सफ़ेद वाला दिख रहा है मतलब कि थोड़ा आपको अच्छा लुक रहा है, इसका लुक लग रहा है, तो इसको हम बाहर ही रखेंगे। तो फ्रेंड्स फटाफट से हम इसका बॉक्स बना लेंगे। फ्रेंड्स देख सकते हो ये मतलब कि मैंने आधा इसको बॉक्स को बना दिया है, इसमें सिर्फ थोड़ा सा हमें वायरिंग करना होगा, तो उसके लिए मैंने ये तीन साइड से चिपका रखा है इसको, और ये बाहर से आप देख सकते हो जो कि मैंने आपको ऐसे बोला था। तो फ्रेंड्स ये वाला हो गया हमारा। अब इसके बाद से हमें क्या करना है, जो कि हमें इन दोनों को मतलब मिक्स करके इसमें थोड़ी सी वायरिंग कंप्लीट करना होगा, तो उसके लिए इसको थोड़ा सूखने में टाइम लगता है, तो थोड़ा सा इसको हम साइड में रख देते हैं और हम थोड़ा सा इस पर काम कर लेते हैं। तो इस पर हमें क्या करना है, तो सिर्फ यहाँ पे ये 4 वोल्ट की LED है, जो कि आपको मतलब ईजिली आराम से जल जाती है, और इसकी ब्राइटनेस जो होती है जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग के वीडियो में बताया कि AC करंट की तरह मतलब AC बल्ब की तरह जलता है। तो फ्रेंड्स ये जो होते हैं 35 रुपये का पड़ता है, तो मैं आपको इसके अभी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से परचेज कर सकते हो। और फ्रेंड्स अब चलते हैं ज़रा इसके हम इस पर हम सोल्डिंग कर लेते हैं आराम से, इसमें हम ज़रा सोल्डिंग कर लेते हैं, तो थोड़ा सा इसमें हमें वायर लगाना पड़ता है, तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने लगा दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लगा दिया मैंने, अब यहाँ पर हमने ये जो वायर है तो यहाँ पर हम सोल्डिंग कर लेते हैं फटाफट। तो हमारा जो येलो वाला देख रहे हो ये माइनस का है, और ये रेड वाला जो है वो प्लस का है, तो लगा लेते हैं हम, यहाँ पर सोल्डिंग कर देते हैं।
तो फ्रेंड्स ये हमारे का सोल्डिंग, यहाँ का हमारा सोल्डिंग कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ से हमें मतलब ऐसे करके यहाँ को हम बाहर निकालना होगा ताकि हम ये जो जब इसमें हम चिपकाएं। तो फ्रेंड्स अब इसको मतलब कि जो हम हैं तो हमें इसको इसके अंदर फिक्स करना है। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, जो आपको ये सिल्वर वाला पार्ट दिख रहा है तो इसको हम पूरा बाहर निकाल देंगे। तो फ्रेंड्स इसके लिए मैं क्या करूँगा कि इसको यहाँ से कट कर लूँगा, मतलब कि यहाँ से आपको ईजिली निकल जाता है जैसे कि आपने देख लिया, और इसमें मैंने कुछ ज़्यादा फोर्स भी नहीं लगाया तो आराम से निकल जाता है इधर से बाहर से। और फ्रेंड्स हमें सेम क्या करना है कि हमें इसको यहाँ पर ऐसे करके फिक्स करना है ताकि ये जो होए ये काफ़ी मजबूत हो जाएगा। और फ्रेंड्स ये वाला जो होल देख रहे हो तो हमें बाद में करना पड़ा क्योंकि हम इसमें स्विच लगाने ही भूल गए। अब क्या करेंगे, तो ये हमारा जो है LED का वायरिंग बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है और इसमें हमें कुछ ज़्यादा झंझट भी नहीं है। तो हमें सिंपली इसको यहाँ से यहाँ डाल देना होगा, और इसका जो वायर है तो इसको मैंने थोड़ा लंबा ही रखा है ताकि हम इसको जब भी बाद में मतलब यूज़ करें तो आराम से हो सके। और फ्रेंड्स हमें इसको यहाँ पर, मैं यहाँ पर इंस्टेंट ग्लूस के हेल्प से ये वाला जो देख रहे हो ये हमारा काफ़ी अच्छे से चिपक चुका है। तो फ्रेंड्स इसमें जो हमारे ये मॉड्यूल है, इसमें जो हमारे ये मॉड्यूल है तो इसमें हम इसको फिक्स करेंगे। तो इसको फिक्स करने के लिए हम इंस्टेंट ग्लू का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि जब भी हम यूज़ करते हैं तो ये वाला जो होता है अंदर का प्लास्टिक में, इसमें कुछ पार्ट्स होते हैं जो कि चिपक जाते हैं उसके यूज़ करके, तो इसके लिए हमारा बेस्ट रहेगा क्योंकि हम इसको ही यूज़ करेंगे। और इसमें तो फ्रेंड्स ये देख सकते हो काफ़ी अच्छे से फिक्स हो जा रहा है। तो फ्रेंड्स इसको काटने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो फ्रेंड्स आप प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आपने नहीं करा है। तो फ्रेंड्स इसके लिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स ये ग्लूगन की स्टिक है जो कि अभी मेरे पास ग्लूगन नहीं है तो उसकी भी हम वीडियो जल्दी बनाएंगे। तो फ्रेंड्स अब इसको यहाँ पर मैं फिक्स कर दूँगा आराम से, और इसको मुझे काफ़ी अच्छे से फिक्स करना होगा ताकि इसमें हमारा कोई भी मतलब कि बाहर को ये ना निकले क्योंकि हमें इसमें चार्जर भी मतलब डालना होता है। फ्रेंड्स ये देख सकते हो ये पूरा डब्बा मतलब बन के तैयार हो गया था। तो अब इसमें हम क्या करना है, ये वाले जो बैटरी हमने बनाए हैं तो इसको मैंने दोनों बैटरियों को एक साथ पैरेलल में कनेक्ट करके और इनको मतलब 3.7 वोल्ट के लिए कर दिया है। अब इसको हमें यहाँ से सिंपली इसमें इसको फिक्स कर देंगे फटाफट। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हो या मतलब मैंने बैटरी को अंदर को लगा दिया है। तो फ्रेंड्स ये वाला जो देख रहे हो आप ग्रीन वाला, ये हमारा प्लस का है और ये वाला जो है हमारा माइनस का है। तो हम इन दोनों को यहाँ पर सोल्डिंग कर देंगे आराम से। तो ये देख सकते हो यहाँ पे आपको प्लस का मतलब इसमें हर चीज़ इतना सिंपल है कि यहाँ पर हर चीज़ आपको प्रिंटेड दे रखा है, ये जो आपको मॉड्यूल दिख रहा है। तो हम इसमें प्लस को प्लस में कर देंगे और माइनस को माइनस में। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ, तो देख सकते हो यहाँ पर यहाँ का इसका हमारा वायरिंग कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स अब हमारा इसमें सोल्डिंग कर देना होगा जो कि ये हमारा LED का है। तो हमने इसमें LED से कनेक्शन देना है जिसमें कि हमने एक ऑन ऑफ स्विच लगाया है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर हमें देख सकते हो ये जो आपको पॉजिटिव इसका वायर है, तो पॉजिटिव को कट करके मैंने बीच से कट कर दिया, और एक आपको इधर सोल्डिंग कर देना है और एक इधर को कर देना है, और बाद में हम इसको फिक्स कर देंगे। तो उससे पहले मैं इसको यहाँ से बाहर से अंदर को निकाल लूँगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ ऐसे कर दिया है, अब यहाँ से हम इसको सोल्डिंग करेंगे ताकि हमें कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ पर मैं फटाफट कर देता हूँ। फ्रेंड्स ये हमारा मतलब इसकी ऑलमोस्ट सारी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है, अब इसको सिंपली हमें यहाँ पर चिपका देना होगा। तो हम इसको पूरे को डब्बे में पैक कर देते हैं। तो यहाँ पर हम कर लेंगे, फ्रेंड्स देख सकते हो हमारा पूरा मतलब इसको मैंने पैक कर दिया है और इसको मतलब पूरा चिपका दिया अच्छे से। तो इसको जरा ऑन करके दिखाता हूँ कि इसकी ब्राइटनेस कैसी है। तो आप इसकी ब्राइटनेस ये देख सकते हो जो कि काफ़ी मतलब बहुत ही ज़्यादा है, जैसे नॉर्मली घर में जो LED लगते हैं उनसे भी ज़्यादा है क्योंकि मैंने इसकी प्रैक्टिकल कर चुका हूँ इसकी, और ये काफ़ी अच्छा जल रहा है। तो आप देख सकते हो इधर।